नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। दिनांक 17/5/2023 को बिहार के शिवहर जिला से नगर परिषद चुनाव के नामांकन हेतु प्रत्याशियों ने अलग अलग पदों पर अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं मुख्य पार्षद पद के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जैसे ही धर्मेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकले, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। फूल माला के साथ जमकर लोगों ने स्वागत किया। आइए किस प्रकार से नगर परिषद के विकास के मुद्दे पर मुख्य पार्षद पद के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। अगर जनता मौका दे तो क्या करेंगे आप क्षेत्र के लिए? विकास तो सब नेता कहता है कि विकास ही करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि समस्या के सारे समस्या को मूल नष्ट को ही जड़ से ही नष्ट करने की कोशिश करूंगा। अब चुनाव पहली बार, इससे पहले भी लड़े हुए हैं? चुनाव लड़ चुके हैं 2007, 2012, 2017। सभापति का नामांकन देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? आप शिवहर की धरती करे पुकारी एक बार, गरीबों की सरकार, ईमानदार सरकार। अच्छा, जनता अगर मौका दिया है तो आप क्या विजन है, क्या आपका मिशन है? मिशन तो बहुत सारा है, सपनों का शिवहर है। मेरे जो सपना है शिवहर के लिए, वो पूरा करने का अरमान है, करूंगा। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्षेत्र समस्या से आप अवगत भी हो रहे होंगे, तो क्या क्या समस्या फेस करना पड़ा है आप? पूरा है, समस्या ही समस्या, सारे सारे सिस्टम में समस्या है। अगर मौका मिलता है तो क्या आप जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे? कोशिश करूंगा। तो नामांकन आपका कंप्लीट हो गया? जी जी जी। वहीं उप सभापति पद के भावी प्रत्याशी विजय कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जैसे ही उप सभापति पद के भावी प्रत्याशी विजय कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकले, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। फूल माला के साथ लोगों ने जयकारा लगाते हुए भव्य स्वागत किया उप सभापति पद के भावी प्रत्याशी विजय कुमार को। देखिए किस प्रकार से नगर परिषद के विकास के मुद्दे पर उप सभापति पद के भावी प्रत्याशी विजय कुमार ने क्या कहा, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा। सबसे पहले शिवहर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और साथ ही मेरे साथ जो नामांकन में आए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो स्वच्छ शिवहर, सुंदर शिवहर बनाने का काम करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। किस पद के नामांकन दिए आप? उप मुख्य पार्षद के रूप में। आप युवा है, युवा चेहरा है, तो युवाओं के लिए विशेष प्लानिंग कुछ एजेंडा है आपके पास? बिल्कुल है, विशेष प्लानिंग है, एजेंडा है। पहले अभी हम लोग आपके चैनल के द्वारा अपील करना चाहेंगे कि इस बार पहली बार अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा हो रहा है, अच्छे लोगों का चुनाव हो। जब तक अच्छे लोग शासन में प्रशासन में नहीं आएंगे तब तक विकास संभव नहीं। लगातार कई साल से वर्क कर रहे हैं, क्या आपके वर्क का, संघर्ष का लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। लगभग हम 10 महीनों से जनता के अदालत में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और पूरा आश्वस्त है कि जनता का जो इस बार निर्णय होगा वो निर्णायक होगा। क्षेत्र में घूमने पर कुछ समस्याएं भी आपके सामने आओ, क्या उस समस्या कैसे समाधान निकालेंगे? समस्याओं का अंबार खड़ा है, पूरे समस्याओं पे बात करें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन जो भी समस्या है, जो भी मुख्य समस्या होंगे उस पर पहली प्राथमिकता होगी हमारा काम। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है जैसे शिक्षा, ट्रैफिक, सरकारी बाजार, ऐसा कुछ है कोई प्लानिंग आपका है? बिल्कुल प्लानिंग है, जनता का पहले आशीर्वाद मिले फिर हम लोग उस पर काम करें। जल जमाव पहला प्राथमिकता है, शिवहर को जल जमाव से निजात दिया। युवा पे क्या विशेष प्लानिंग होगी आपकी? युवाओं के लिए शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा। आपका विजन क्या है? विजन है, अभी हम लोग घोषणा पत्र जारी किए थे, 5 साल बनाम 7 वादे। पहला वादा है शिक्षा को बेहतर करना है, दूसरा वादा है स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तीसरा वादा है शौचालय बनवाना, चौथा वादा है महिलाओं को रोजगार दिलवाना। लगभग 7 मुद्दा है हम लोगों का। मिशन क्या है आपका? मिशन लक्ष्य एक शिविर बने सर्वश्रेष्ठ। क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र जनताओं से? आप जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि इस बार जिनको भी चुने अच्छे लोगों को चुने। सच का आईना आपके पास, आप बने रहे ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ। हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।